बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एन टेस्ट पार्टी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पीएसटी का पेपर जो आपने शुरू किया था, हजारा डिवीजन में 17/4/2022 को ये पेपर हो चुका है। पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद एक पार्ट मजीद आखिरी पार्ट होगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कंप्लीट पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा विदाउट एनी मिस्टेक। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। दोस्तों, जहां भी आपको गलती नजर आए तो फौरन मुझे कमेंट्स लिख दिया करें ताकि मैं उसकी करेक्शन कर लूं। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा हुआ है, समरी ऑफ अ टेक्स्ट इज यूजुअली रिटन इन द प्रेजेंट टेंस। याद रखे, किसी भी टेक्स्ट का अगर आपने समरी लिखना है तो उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, एफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी और बी ए, ए बी और बी ए एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एल एम एन ओ। तो एल एम की वैल्यू मालूम करना है यहां पर, एल और एम की। यहां पर ए स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर यानी इसको ए को ए से जरब दो, ए को आप ए से जरब दोगे तो यहां पर एल एल की वैल्यू आएगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा, ठीक है। और इस तरह एम आएगा टू ए बी। यहां पर इसमें इसको खुद कर लो, बहुत इंतहाई ईजी है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है इसका। ए जर बी ए, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आपको एल की जगह आपको आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और एम की जगह आएगा टू ए बी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन, एफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। पे थ्योरम है और ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, तो वो एंगल होगा, वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, इब्तिदा में खाना काबा की तामीर किसने की। खाना काबा अभी तक तकरीबन 10 दफा तामीर हो चुका है और सबसे पहले फरिश्तों ने खाना काबा की तामीर ऐन बैतुल मामूर के नीचे किया था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आदम अलैहि सलाम और प्रेम इब्राहिम अलैहि सलाम। क्वेश्चन नंबर 62 देखे, 62 नंबर, अरदत दुनिया, अरद के मानी सामान, दुनिया का सामान यानी दुनिया के फायदे। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 63 देखे, हजरत अबू तालिब के सफरे शाम के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का 2 दफा सफर किया है, एक 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ और दूसरी दफा तिजारत की गरज से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान लेकर 25 साल की उम्र में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 64 देखे, 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट एनर लेयर, स्किन सेल्स। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है, स्किन सेल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 65 देखे, 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रंट पार्ट ऑफ आई विच इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउज लाइट रेस एंटर द आई, कॉर्निया। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66 देखे, 66 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन, कोक्लिया। एक्चुअल हियर ऑर्गन इज ऑप्शन ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 67 देखे, ब्लैंक स्पेस आर द ऑर्गेनिजम्स डेट ब्रेक डाउन आर डीकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल, फंगी और बैक्टीरिया, बोथ आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 68 देखे, 68 नंबर क्वेश्चन को,
Which of the following is used in match industry? Match industry में red phosphorus इस्तेमाल होते हैं, option D है. और 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 69. अहमद ने गाड़ी एहतियात से चलाई. इस जुमले में मफूल एक होता है पायल, जिसको नाउन के पायल काम करने वाला, मफूल जिस पर काम हो. तो यहां पर मफूल क्या है? गाड़ी, ऑप्शन ए है. क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन. खाली जगह है रिफर्स टू द लैंड एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट रिवर, ऑप्शन बी इंटरप्लोविज, ऑप्शन बी करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 671, अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट हिंदू शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज. नेहरू रिपोर्ट में ये तजावीज दी गई थी कि हिंदी को कौमी जुबान बनाया जाए, ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 72, द कैट इज हाइडिंग इन द बुश, इन द बुश आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 73 देखे, आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग, कैन कुड एंड मे, ऑप्शन सी करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 74 देखे, विच वन इज द कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड मोर देन वन को कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इज ऑप्शन ए आर डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 75 देखे, 75 द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द एलर, आइडेंटिफाई अंडरलाइन वर्ड स्टाफ, कलेक्टिव नाउन है, मोर देन वन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन बी है, पूरे स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है. 76 वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, यहां शुरू होता इन, इन प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल प्रेज हो गया, ऑप्शन डी है. और क्वेश्चन नंबर 77, 4 × 11 इज इक्वल टू 0.363636, अगर डॉट डॉट लिखा हुआ है तो इसको मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग, ऑप्शन सी है. और क्वेश्चन नंबर 78 देखे, पाई इज द रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. तो ये तो दोस्तों पार्ट नंबर 5, और इसका आखिरी पार्ट इसके बाद अपलोड करूंगा. जहां भी आपको गलती नजर आए तो प्लीज जल्दी से कमेंट्स कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.